न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कनुप्रिया। ये रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में पंचक्रोशी परिक्रमा के विकास पर 101 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की। इस राशि से पंचक्रोशी मार्ग पर्यटन तीर्थ के रूप में विकसित होगा। तीर्थ पड़ावों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। भारतीय सेना ने कुपवाड़ा जिले में घुसपैठ कर रहे 6 आतंकियों को मार गिराया। आतंकी कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे। गुरुवार को आतंकियों ने इसी सेक्टर में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया था। इस हमले में 2 जवान घायल हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाक के राष्ट्रपति से हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन के किंद गांव में है। इस सम्मेलन के दौरान मोदी का सामना पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन से हो गया था। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। वामपंथी एक्टिविस्ट और जेएनयू की पूर्व उपाध्यक्ष शहला रशीद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश के मामले पर ट्वीट से विवाद पैदा हो गया है। जेएनयू की पूर्व उपाध्यक्ष ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और आरएसएस पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रचने में शामिल होने का आरोप लगाया है। लगातार अपने बयानों से चर्चा में बनी रहने वाली शिवसेना ने एक और बड़ा बयान दे डाला है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि संघ प्रणब मुखर्जी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर घोषित करने की तैयारी कर रहा है। शिवसेना नेता ने कहा कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पर्याप्त सीटें नहीं आती है तो बीजेपी की ओर से प्रणब मुखर्जी की पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना तय है। G7 समूह में शामिल देशों के नेताओं ने रूस को धमकी देते हुए कहा कि वो लोकतंत्र को कमजोर करने का उसका प्रयास बंद करे, नहीं तो वह इस समूह में रूस के फिर से शामिल होने के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील को भी नकार दिया है। सिख गुरुदास मान चरणप्रीत सिंह लाल ब्रिटेन के पहले ऐसे सैनिक बने जिन्होंने मार्च के समय परंपरागत हैट की जगह पगड़ी पहनी। यह कार्यक्रम ब्रिटेन की महारानी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित किया गया था। चरणप्रीत ट्रंपिंग द कलर समारोह में मार्च करने वाले 1000 सैनिकों में से इकलौते हैं। उनकी पगड़ी अन्य सैनिकों के हैट के रंग से मिलाने के लिए काले रंग की रखी गई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शिक्षा कर्मियों के लिए खुशखबरी का ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही उनका संविलियन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द ही कैबिनेट बैठक में फैसला किया जाएगा। अफगानिस्तान के सैन्य शिविर पर हमला कर 17 सैनिकों को मौत के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन तालिबान से अफगान सरकार के संघर्ष विराम प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाने की अपील की है। अफगानिस्तान में तालिबान ने अफगान सुरक्षा बलों के साथ ईद के मौके पर 3 दिन का संघर्ष विराम रखने का ऐलान किया है। पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने ड्रीमलैंड सिनेमा के पास स्थित बार में रात्रि में छापा मारकर 12 लड़कियों को मुक्त कराया। 12 में से कुछ लड़कियां बाथरूम में बने गुप्त तहखाने में छिपी थी। सेल की डीसीपी शिवदीप ने तहखाने का दरवाजा खुलवाकर लड़कियों को बाहर निकाला। पुलिस ने इस मामले में 9 कर्मचारियों सहित 18 ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया है। अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश और देश की हर खबर के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।